इंडिया में सी पायरेट्स पर शायद ही कोई अच्छी मूवी बनी है। एक थी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, बट वो अच्छी नहीं थी, खराब थी, फ्लॉप हो गई थी। सो अभी आया है देवरा पार्ट वन का ग्लिम्स वीडियो, जो कि सच बताऊं तो मुझे जस्ट एवरेज लगा। एंड तुम मुझे गलत समझो, उससे पहले पूरी वीडियो को देखो और उसके बाद तुम रियलाइज कर पाओगे कि जो मैं कहना चाह रहा हूं वो सही है। तो पहले ग्लिम्स में क्या अच्छा लगा उसकी बातें कर लेते हैं। सबसे पहले जो कि इसमें काफी अच्छे अच्छे और कूल वाले शॉट्स हैं, जैसे कि ये वाला सीन और ये वाला जो कि ब्लड से मून को कंप्लीट किया है ना, मतलब यूनिक सीन था मेरे लिए, बहुत मेरे हिसाब से जबरदस्त सीन था। मूवी में बहुत सारा VFX होने वाला है एंड इसका बजट है 300 करोड़ रुपए। मूवी शायद 18+ हो क्योंकि काफी वायलेंस दिख रहा है इसके ग्लिम्स वीडियो से भी, और वैसे भी आजकल अडल्ट रेटिंग के साथ अच्छी मूवी चल रही है, सलार, एनिमल, तो हो सकता है ये भी अडल्ट रेटिंग के साथ रिलीज हो। इनसाइड रिपोर्ट्स के हिसाब से जूनियर NTR इसमें डबल रोल करने वाले हैं, फादर एंड सन का, जो कि अगेन एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, इमोशंस के बेस पे चल जाती है मूवी जैसी। मूवी में सैफ अली खान विलन का रोल करने वाले हैं एंड जानवी कपूर का डेब्यू भी होने वाला है, एंड जो रोल वो प्ले करने वाली है वो मेरे हिसाब से तो देवरा का लव इंटरेस्ट होने वाला है। मूवी का म्यूजिक एंड BGM जस्ट अच्छा था, कुछ ज्यादा खास नहीं था। एंड ऑल्सो इसका जो टाइटल है देवरा, उसका मतलब होता है गोड या गोड लाइक, मतलब भगवान के जैसा। नाउ इसके नेगेटिव की बातें करते हैं। फर्स्टली एंड सबसे बड़ा, ये जो पूरा ग्लिम्स वीडियो था ना, ये मेरे को काफी आर्टिफिशियल लगा। तुम इस सीन को देखो यार, मूनलाइट को देखो और फिर बताओ तुम्हें नहीं लगता कि कुछ फेक लग रहा है? कुछ क्या, पूरा ही लगभग फेक लग रहा है। एंड आई डोंट नो, पूरा ग्लिम्स मुझे ऐसा लगा जैसे स्टेज प्ले हो रहा हो। एक रीजन और है जिसकी वजह से पूरा सीन फेक लग रहा है, ध्यान से देखो, एक जगह पे ज्यादा लाइट है पर बाकी पूरा एनवायरमेंट डार्क है, ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है ना। सो इसको देख के ऐसा लगता है कि ग्लिम्स वीडियो पे शायद प्रॉपर वर्क नहीं हो पाया, एंड इसीलिए मैं इस पूरे ग्लिम्स वीडियो को एवरेज की कैटेगरी में ही रख रहा हूँ। एंड पता है साउथ सिनेमा की सबसे डिसअपॉइंटिंग बात क्या होती है? मूवी का जितना ज्यादा बजट वो लिख के चलते हैं और जितनी ज्यादा उसको हाइप करते हैं ना, उतने उसके डिसअपॉइंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, एक्सेप्शन जरूर है RRR, KGF, बाकी मेजरली तो सारी मूवीज को रिलीज से पहले ओवर हाइप कर दिया जाता है। एंड वॉइस वर्सो ऐसा हिंदी सिनेमा भी होता है, जैसे कि आदि पुरुष हो गई, बट मेजरली तो साउथ मूवीज के साथ ज्यादा होता है ऐसा। एंड जेन्युइनली बताऊं तो मैं इस मूवी के लिए एक्साइटेड जरूर था शुरू से और अब भी हूं, बिकॉज इस ग्लिम्स के हिसाब से तो मैं इसको जज कर नहीं रहा, मैं एक्साइटेड हूं इसके एक अलग कॉन्सेप्ट के लिए। इसमें पायरेट्स, शिप्स, सी, जिसका इसमें जिक्र भी हुआ है रेड सी नाम से, तो उन चीजों के लिए मैं एक्साइटेड हूं। बाकी ये ग्लिम्स वीडियो थी तो स्टोरी का तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं इस वीडियो में, क्योंकि जस्ट एक सीन को उठाया हुआ है। बाकी तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा ये ग्लिम्स वीडियो? एंड मैं ऐसी और वीडियोस भी डालता हूं YouTube पे, तो तुम ऐसी वीडियोस अगर पसंद करते हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना एंड वीडियो लाइक भी कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।